हाँ तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला की तरफ से लॉन्च किए गए नए स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों दो दिनों पहले मोटोरोला ने इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन मोटो G62 को लॉन्च कर दिया है, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। वैसे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटोरोला 2022 में बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट करने वाली है। ऐसा कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब से 2022 स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक एक के बाद एक कई सारे फोन लॉन्च कर रही है। स्पेशली अगर मोटो के जी सीरीज के बारे में बात करें तो ये इंडिया में अभी बहुत पॉपुलर सीरीज हो गई है। इसका कारण यह है कि इस सीरीज के अंदर लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन बहुत अच्छी प्राइस पे लॉन्च किया जाता है। लेकिन मोटो G62 जो कि अभी दो दिनों पहले लॉन्च हुआ है, इसके बारे में बात करें तो फोन के स्पेसिफिकेशंस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राइस मेरे को काफी अधिक लग रही है। अगर आप लोग इस फोन को लेने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस फोन के सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा दोस्तों इस वाले फोन में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और किन किन चीजों में यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में दोस्तों अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। तो गाइस 6GB 128GB एंड 8GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 6GB 128GB, इसकी प्राइस 17999 रखी गई है एंड जो सेकंड मॉडल है उसकी प्राइस 19999 रखी गई है। मतलब 18,000 and 20,000 रुपये का ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो यहाँ पे आपको 1750 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा, और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन के बेस वाले मॉडल को 16,249 रुपीज़ में परचेस कर पाओगे, और इस प्राइस पे भी ये स्मार्टफोन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा। अब दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं इस फोन में हमें स्पेसिफिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 6.55 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है, और डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे 600 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 16 MP का सेल्फी कैमरा लगा है। बैक साइड से यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 50+8+2 का यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है। 5000 mAh की यहाँ पे बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 20W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। स्टूडियो स्पीकर भी यहाँ पे दिए गए हैं। IP52 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है। 5G फोन है तो यहाँ पे 12 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं। लैपटॉप PC एंड TV के ऊपर शिफ्ट होने के लिए इस वाले फोन में आपको Ready4PC वाला भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा, और ThinkShield की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है, जहाँ पे आपको क्लीन UI मिलेगी। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट लगा है। LPDDR4X के RAM यहाँ पे दिए गए एंड UMCP का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो गाइस इसके स्पेसिफिकेशंस को लेकर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब दोस्तों आप लोग खुद डिसाइड करो क्या ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस के हिसाब से अच्छा है या फिर नहीं। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे दोस्तों चलिए अब हम इस फोन के सभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम इसकी अच्छी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी चीज नजर आई है वो ये है कि ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिन लोगों को स्लिम एंड लाइट वेट वाला फोन अच्छा लगता है, क्योंकि ये फोन 8.5 mm थिक है और 184 ग्राम इस फोन का वेट है। तो फोन काफी स्लिम एंड लाइट वेट रखा गया है, तो छोटे हाथ वाले लोगों को सिंगल हैंडेड यूज में या फिर कैरी आउट करने में ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा। दूसरी चीज जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी नजर आई है वो है इसका कैमरा सेटअप, क्योंकि यहाँ पे सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड बैक साइड 50+8+2 के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो इस तरह का कैमरा सेटअप हमें इस रेंज के ऑलमोस्ट सारे फोन में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ रेयर केस में लाइक ओप्पो वीवो एंड रियलमी के फोन में इस तरह का कैमरा सेटअप हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मोटोरोला यहाँ पे दे रही है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। तो और अच्छी चीज ये है कि इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फंक्शन 4 देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी नजर आई है वो है इसका स्पीकर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो स्पीकर दिए गए जो कि डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ आते हैं, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस फोन से आपको बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट में जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी चीज नजर आई है वो है इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर लगा है जो कि लिटरली बहुत पावरफुल चिपसेट है। 6 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, तो काफी पावर एफिशिएंट चिपसेट है। सिंगल चार्ज में यहाँ से आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे Adreno 619 का GPU लगा है, तो सभी तरह के गेमिंग भी मीडियम टू हाई सेटिंग पे मक्खन की तरह एंजॉय कर पाओगे। तो गाइस अगर आप इस फोन को लेते हो तो यहाँ पे आपको ये कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में
नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में, क्योंकि यहाँ पे हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि इस रेंज वाले कई सारे फोन में हमें AMOLED स्क्रीन देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मोटोरोला इससे काफी कम प्राइस पे भी AMOLED स्क्रीन प्रोवाइड कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटोरोला को यहाँ पर भी AMOLED स्क्रीन देनी चाहिए थी। दूसरी कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड में। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, अच्छी चीज है, लेकिन अभी के टाइम पे 10 से 12000 रुपए के फोन में भी हमें 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट मोटोरोला इससे काफी कम प्राइस पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है। इस वाले फोन में भी मोटोरोला को 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था। अब लास्ट में जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में कमी नजर आई है वो ये है कि ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लॉन्ग टर्म के लिए ये फोन परचेज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोटोरोला ने ऑफिशियली कंफर्म किया है 1 साल के ही OS अपडेट मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको एंड्रॉइड 13 के ही अपडेट देखने को मिलेगी। हालांकि 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देने का मोटोरोला ने वादा किया है, लेकिन अगर आप बाकी ब्रांड के पास देखते हो तो कम से कम बाकी ब्रांड आपको 2 साल के OS अपडेट निश्चित रूप से प्रोवाइड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटोरोला को कम से कम यहाँ पे एंड्रॉइड 14 तक के अपडेट देने चाहिए थे। तो गाइस अगर आप इस फोन को लेते हो तो यहाँ पे आपको यही कुछ 3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो फोन ठीक ठाक है, लेकिन प्राइस इसकी काफी अधिक रखी गई है। अगर आप मोटो फैन है, मोटोरोला के फोन अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो इसकी जगह पे आप चाहो तो मोटो G71 ले सकते हो, जहाँ पे AMOLED स्क्रीन मिल जाएगी और ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही स्पेसिफिकेशन वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पोको X4 Pro भी परचेस कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके साथ ही Infinix Zero 5G भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको Dimensity 900 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।